महाजैन को महाराष्ट्र में बिजली निर्माण करने वाली संस्था है और इस संस्था द्वारा वॉश कोल के इस्तेमाल से हर साल महाजैन को और सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। ऐसा आरोप महाजैन को पर आयोजित पत्र परिषद के दौरान जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा किए गए हैं। पवार बोले, महाजनकों को सालाना लगभग 22 मिलियन मेट्रिक टन वॉश कोल का उपयोग करने का ठेका दिया गया है। कोल रिजेक्ट के नाम से कोल वाशरीज द्वारा लगभग 55 लाख मेट्रिक टन कोयला रखा जाता है। महाजनको रिजेक्ट कोल को वाशरीज को 400 रुपए प्रति टन के भाव पर बेच रही है, जिसके बाद कोल वाशरीज द्वारा उसी कोयले को खुले बाजार में लगभग 10,000 प्रति टन के भाव पर बेचा जा रहा है। इससे महाजनको और सरकार को सालाना करीब 5,280 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चूंकि अनुबंध 5 साल के लिए, इसलिए सरकार को लगभग 26,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 16/7/2022 ला आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चांगला कोळसा 2200, 2300, 2400 जीसीबीचा कोळसा हा 400 रुपये टनाने विकला, म्हणजे कोल वॉशरी ऑपरेटरला दिला। आणि ज्याचा जीसीबी 600, 700 म्हणजे जळण्याचा जो उष्मांक आपण जे म्हणतो, तो कोळसा खापरखेडा पॉवर प्लांटनी आत्ता मागच्या महिन्यामध्ये 2,000 रुपये टनाने विकला। म्हणजे हा निकृष्ट दर्जाचे गोटे 2,000 रुपये टनाने चालले आणि चांगला कोळसा 400 रुपये टनाने महाजनकोचे अधिकारी स्वतःची प्रॉपर्टी समजून खुल्या मार्केटमध्ये हे विकून राहिले। असाच 21 मध्ये चंद्रपूर पॉवर प्लांटने हा कोळसा 1,000 रुपये टनाने विकला। बर्न कोल, ज्याला आपण बर्न म्हणजे पूर्ण त्या कन्व्हेअरवरून जो कोळसा जातो आणि तो जळून अर्धा खाली पडतो, त्या कोळशाची किंमत 1,000 रुपये चंद्रपूरने दिला, खापरखेड्याने 2,000 रुपये टन दिला। म्हणजेच साथ ही प्रशांत पवार ने मामलों की गहन जांच की मांग की है और अनुरोध किया है कि उक्त अनुबंध को तत्काल बंद किया जाए। पत्र परिषद में मुख्य रूप से अध्यक्ष प्रशांत पवार, सचिव अरुण वनकर, समन्वयक विजय कुमार शिंदे, पूर्व पार्षद राजेश माटे, रविंद्र इटकेलवार, मिलिंद महादेवकर आदि मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।